इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 14वें सीजन के टलने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शो ने गोवा में छुट्टियां मनाने का फैसला किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह बनाने में नाकाम रहे पृथ्वी शो खाली समय का लुत्फ उठाना चाहते हैं। पृथ्वी शो के लिए गोवा दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही, उन्हें महाराष्ट्र के अंबोली में पुलिस ने रोक लिया। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यहां पर लॉकडाउन लागू है। पृथ्वी शो कोल्हापुर के रास्ते गोवा जा रहे थे। 21 साल के पृथ्वी शो के पास ई पास नहीं था। पृथ्वी शो ने अधिकारियों से उन्हें जाने की अपील की, लेकिन वे नहीं माने। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद पृथ्वी शो ने मोबाइल के जरिए ई पास के लिए अप्लाई किया, जिसके बाद उन्हें गोवा जाने की अनुमति मिली। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और ऐसे वक्त में पृथ्वी शो का छुट्टी मनाने के लिए गोवा जाने का फैसला हैरान करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं और 4,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। मुंबई के इस बल्लेबाज का चयन इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में नहीं हुआ है। विजय हजारे ट्रॉफी और आईपीएल 2021 में शानदार प्रदर्शन के बाद भी पृथ्वी शो को टीम में जगह नहीं मिलने पर कई स्पोर्ट्स पर्सन ने हैरानी जताई है। हालांकि बीसीसीआई से जुड़े एक सूत्र ने पृथ्वी शो की टीम में नहीं चुने जाने का कारण बताया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि टीम इंडिया में वापसी के लिए पृथ्वी शो को अपनी फिटनेस पर काम करना होगा, उन्हें अपना वजन कम करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फ्लॉप रहने वाले पृथ्वी शो ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपने बल्ले का दम दिखाया था। उन्होंने कुल 827 रन बनाकर मुंबई को चैंपियन बनाया था। पृथ्वी शो ने इसी फॉर्म को आईपीएल में भी जारी रखा। उन्होंने 8 मैच में 38.50 की औसत से 308 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक जड़े। पृथ्वी शो ने केकेआर के खिलाफ मुकाबले में 18 गेंदों में 50 जड़ी थी। आईपीएल के इस सीजन की ये दूसरी सबसे तेज 50 थी।